इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्दों पर अपनी औरतों के लिए तीन हक वाजिब हैं। पहला कि वो उनसे नरम लहजे में बात करें, प्यार का जवाब प्यार से दें। दूसरा कि उनके मामले में अल्लाह से डरते रहें, क्योंकि जो मर्द अपनी औरतों के हक पूरे नहीं करता, उनके साथ नाइंसाफी करता है, तो उसका इंतकाम अल्लाह लेता है और वो मर्द अपनी रिज़्क़ की राहों को तंग और मुसीबतों परेशानियों में गिरफ्तार होता है। और तीसरा, औरतों की वो ख्वाहिशात जो मर्द पूरे करने पर कादर है उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मर्द अपनी औरतों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता है तो अल्लाह उस मर्द की तमन्नाएं, दुआएं और ख्वाहिशात पूरी कर देता है और यूं वो मर्द अपने रिज्क में इजाफा और घर में खुशहाली पाता है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों की ये तीन हक पूरे करता है तो अल्लाह उस इंसान के घर की तरफ अपनी बरकत और रहमत के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि मर्द की मर्दानगी की सबसे अफजल सतह ये है कि उनकी औरतों की आंखों में उनकी वजह से आंसू ना आए।